SC ST की जमीन पे नए कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, क्योंकि सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। SC ST के लोगों के जमीन से खिलवाड़ नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप देख रहे हैं कि 1950 से यह संविधान में नियम लागू था कि SC और ST दलित आदिवासी का जमीन कोई भी अपर कास्ट के लोग नहीं खरीदेंगे। लेकिन यह दुख की बात है कि जो संविधान को मानने का सिर्फ एक ढोंग रखते हैं, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है 2012 में, तो यह नए कानून लाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि SC ST का जमीन जिलाधिकारी के माध्यम से वह जमीन को ले सकते हैं। इसके बाद हमारे समाज के विरोध करने के बावजूद भी वो कानून वापस नहीं होता। उसके बाद ये योगी सरकार जब आती है तो योगी सरकार यह नए कानून वापस लेता है कि जिलाधिकारी से राय लेना, जिलाधिकारी का अनुमति लेना कोई सर्वमान्य नहीं है। मतलब यानी जिलाधिकारी से मतलब उसका न्याय मांगना, जिलाधिकारी से हस्ताक्षर कराना यानी पूछना कोई ज़रूरी नहीं है। अब यानी नहीं पूछने का यह सीधा सीधा तरीका है कि पिछले समाज के लोग, जो दलित आदिवासी समाज, वंचित समाज के लोग, जो पिछले सदियों से दबे आते थे, जो कोई लोग गहला के फुसला के कुछ खिला के जमीन ले लेते थे, वर्तमान में फिर यह योगी सरकार करने जा रही है। योगी सरकार नए कानून में लागू कर दी है कि कोई भी दलित समाज का जमीन जब लेगा तो जिलाधिकारी से बिना पूछे वह जमीन ले लेगा। तो यह बताइए माननीय जी, आप पत्रकार महोदय, कि जब यह आ जाएगा तो तमाम जो तबके के लोग हैं, गरीब शोषित के लोग, वह जमीन को डराए धमकाए, आप जमीन जो भी एक दो हिस्सा है लोगों के पास वह ले लेगा। इस तरह तमाम दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग हैं जो एक हिस्सा दो हिस्सा जिनके पास जमीन है, ये लोग उस वन से भी भूमिहीन करने का यह सरकार प्रयास करना चाहती है। हम बता देना चाहते हैं कि दलित समाज, आदिवासी समाज के लोग आक्रोशित हैं इस समाचार पत्र को सुन के। हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, हम लोग राष्ट्रपति महोदय का और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यपाल महोदय का हम लोग आज शांतिपूर्वक से ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन देने के माध्यम से हम चेताएंगे, अगर यह फरमान वापस नहीं लेते हैं तो सड़क से संसद तक और पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारत तक यह सड़क से संसद यह सरकार को घेरने का काम करेंगे। और जब तक यह सरकार ये अपना फरमान व तानाशाही हिटलरशाही के पदचिन्हों पर चल के ये वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग ये धरना अनवरत जारी रहेगा। पहले चंद पैसों में जमीन बेच देते थे, बिल्कुल जो है मोटा पैसा मिलेगा बेचने। हाँ, मोटा पैसा मिलेगा। और मोटा पैसा भी क्या मिलेगा, जब DM से राय लेना ही नहीं है तो हमारे जैसे और तमाम गरीब लोगों को डरा के धमका के बिना पैसे के 1,000-2,000 पौवा पिला के धमका के वो लोग जमीन ले लेंगे। क्योंकि जब यह कानून था तो कोई डरा के धमका के नहीं लेता था। जब माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनती थी 2007 में बनी थी, तो तमाम ऐसे लोगों को जमीन देने का पट्टा करने का काम की थी कि लोगों को जो भूमि उनके पास आ गया तो सरकार से देखा नहीं गया। कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी तो लोगों के हाथों में जमीन कैसे आ गया, फिर यह जमीन को ख़त्म करके यानी भूमिहीन यह सरकार बनाना चाहती है। हम बता देना चाहते हैं कि हम कलम के बन पे हम ये सरकार को चेता देना चाहते हैं कि ये नए कानून वापस ले, नहीं तो उग्र आंदोलन के लिए हम लोग बाध्य होंगे। आपके ये मांग अगर नहीं होती है तो कहां तक जाएंगे आंदोलन के लिए? हम लोग सड़क से लेकर संसद तक, राष्ट्रपति महोदय से भी हम लोग कुछ ही दिनों पे दिल्ली हम लोग मिलने जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप पत्रकार महोदय को। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सरकार में आए दिन SC ST के खिलाफ कुछ न कुछ नया कानून बनाया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अब देखिए, समाजवादी सरकार में कानून बनाया गया था कि DM महोदय की अनुमति से SC ST की ज़मीन बेची जा सकती है, लेकिन योगी सरकार ने फिर SC ST की ज़मीन को कह दिया कि आप बिना DM के परमिशन के बेच सकते हैं। और इसे साबित होता है कि ये दलित दबे कुचले बनते समाज को जमीन से, शिक्षा से, नौकरी से, हर एक चीज़ से बेदखल करना चाहती है।
और देख ही रहे हैं कि आए दिन हर एक प्रकार से जो जुल्म जाती हो रही है एस सी एस टी के खिलाफ, इसमें अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये मनवादी सरकार ये अपने मनमर्जी करती रही है, मनमर्जी करेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ आप पत्रकार महोदय को कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम सड़क से संसद तक रोड पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे और अपनी आवाज़ को, अपनी इस मांग को मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पहले जमीन बेचने को लेकर चंद पैसे मिलते थे, अब तो मोटा पैसा मिलेगा। देखिए ये कहने की बात है, अभी हमारे समाज में इसे दबे कुचले लोग हैं जिनको बाहुबली लोग, पैसे वाले लोग डरा के धमका के कुछ पैसे दे के ऐसे भी ले जाके जमीन लिखवा लेंगे। अगर इसमें डीएम साहब का परमिशन नहीं लिया गया तो पहले आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी जिसमें किसी की हिम्मत नहीं थी कि बिना पूछे किसी का वो करवा ले, जमीन ले ले, लेकिन अब तो मनमानी कर दिया गया है, मनमानी करने जा रही है सरकार। अगर हम लोग नहीं चेते, बहुजन समाज नहीं चेता, एससी एसटी लोग नहीं चेते तो जमीन से भी वंचित हो जाएंगे। ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन आपको सौंपा जा रहा है, आपको अवगत कराना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन, अब जमीन जो 3.125 एकड़ से कम कृषि भूमि होने पर विक्रय करने हेतु विषम परिस्थितियों पर जिलाधिकारी महोदय की अनुमति लेना पड़ता था, लेकिन वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार जो उक्त कानून को शिथिल करना चाहती है, यानी इस कानून को बंद करना चाहती है, यह सरकार अगर ऐसा करती है तो हम लोग को ऐसा सूचना समाचार माध्यम से प्राप्त हुआ है कि उक्त कानून को यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने शिथिल कर दिया तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भूमिहीन करने की साजिश है। महोदय कहने का मतलब तमाम जो गरीब परिवार के लोग हैं, आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अगर वो जमीन लिया जाता था तो किसी के दबाव में वो जमीन नहीं लिया जाता था, अगर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वो जमीन नहीं लिया जाएगा तो तमाम लोग जो दबंग किस्म के लोग हैं, डरा के धमका के सभी दलित शोषित वंचित आदिवासियों को जमीन को उस जमीन से ही विहीन करने के सरकार करना चाहती है। इसलिए हम आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया और प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्यपाल महोदय के ज्ञापन देना चाहते हैं और आप पहुंचाइए यह कानून, नए कानून को वापस ले। राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल।